जदि जड़े पत्नी कौन कारण स्वामी एवं परिवार विरुद्ध अपराधिक अभियोग दाखल करे क्रूरता नुहे एभली मद्रास हाइकोर्ट जस्टिस आर सुरेश कुमार एवं के कुमारेश बाबू एक डिविजन बेंच शुणी में कहते जो अभियोग निर्दोष खलास क्रूरता अटे बेंच आहरी मामलें पत्नी दाखल करपराधिक अभियोग संपृक्त पुलिस सठिक अनुसंधान पर ही चार्जसीट कैलेंडर मामला सृष्टि करथिला तेबे एक मामलार शुणी कर मार्च 28 रे कोर्ट एभली मंतव्य रखी वर्तमान मामला को दृष्टि रखी पर्यायर धारणा दे पारे एक प्रकार अपराधिक मामला दाखल करने पत्नी द्वारा मानसिक निर्यातना हो पारे केवल शुणी शेष होगापर यह निष्पत्ति क्राइमब्रांच जो आवेदनकारी जदि तक पर सदस्य निर्दोष खलास हूँ तेरे सिद्धांत निजे पत्नी निर्दयता रही जहां आवेदन पत्र दाखल करने स्वामी को एपरी तथ्य उपर निर्भर करने को सक्षम करोर्ट यह पत्नी स्वामी एवं परिवार विरुद्ध अपराधिक मामला दायर करने को विरोध करूना प्रकृत में महिला जनक दावी करते स्वामी हरण कर हिंदू अधिकार और रीतनीति अनु 2008 अगस्त 21 उभय बहुत तेरे किछि दिन परे विवाद लागि संपर्क खराब हो जाइथिला तेबे स्वामी जनक अभियोग करथिले जे सी आउ तांको परिवार को तांको पत्नी मानसिक निर्यातना देउछंती एमिति कि निज जीवन हारि देबाकु धमक देउछंती अन्य पक्षे पत्नी दाबी करथिले जे तांको स्वामी तांको मानसिक और शारीरिक निर्यातना देउछंती जेउथि पई से चेन्नई रे स्थानीय पुलिस निकट रे अनेक थर अभियोग करथिले तेबे ई विवाद देखा देबा परे उभय अलगा हो जाइथिले सेमानको विवाह विच्छेद स्वामी कोर्ट रे आवेदन करथिले क्रूरता कारण विवाह विच्छेद स्वामी को आवेदन को प्रत्याख्यान करछंती यह मध्य पत्नी को मिलित अधिकार पुनरुद्धार पई आवेदन को अनुमति देथिले तेबे कोर्ट उल्लेख करछन जे स्वामी 2012 रे छाड़पत्र आवेदन करथबे पत्नी 2016 रे मिलित अधिकार पुनरुद्धार पई आवेदन करथिले पारिवारिक अदालत हिंदू विवाह आईन रो व्यवस्था को प्रशंसा करिबारे विफल होइथिला जहां स्वामी वैवाहिक जीवन रु दूरे रही जुक्तियुक्त कारण अच्छी कि नहीं स्थिर करने को पड़ता अदालत कहते पारिवारिक अदालत यह दिग को संपूर्ण भाव अणदेखा करते मिलित अधिकार पुनरुद्धार आदेश को स्वयंचालित भाव अनुमोदन करूरता कारण स्वामी को छाड़पत्र देवा मना करने को पर कोर्ट निष्पत्ति समर्थन कर।